हेलो जी, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी स्किन का, अपने बालों का ख्याल रख रहे होंगे। रखना चाहिए यार, अलग ही कॉन्फिडेंट होता है अगर हमारे बाल और हमारी स्किन चमकती हो। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी। इस्तेमाल करोगे तो आपके बालों की सारी प्रॉब्लम खत्म होंगी, चाहे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हों टाइम से या टाइम से पहले, तो और चाहे आपके बालों की ग्रोथ अच्छी ना हो, चाहे आपके बाल पतले हों, डैंड्रफ हो, मतलब बहुत ही अच्छी रेमेडी है। नेचुरल हब से बनी है, नेचुरल चीज़ें हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस्तेमाल करके देखना एक बार, पहली बार में रिजल्ट अच्छा लगेगा। लगातार इस्तेमाल करोगे तो सारी प्रॉब्लम खत्म। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करता है एक अगली अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने लिया है रीठा, आंवला, सीकाकाई। तीनों ही चीज़ें बेस्ट हैं हमारे बालों के लिए, जादू है जादू। तो इसको लेंगे आप लोहे की कढ़ाई में। अगर आप बालों को काला बनाना चाहते हैं ना, तो लोहे का बर्तन ज़रूर से खरीद लो, क्योंकि लोहे के बर्तन में होता है आयरन, जो कि हमारे बालों को काला करने में रेमेडी के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो मैंने लिया है 1.5 से 2 चम्मच रीठा, आंवला, सीकाकाई पाउडर। आंवला गुड़ों की खान है, रीठा, आंवला, सीकाकाई तीनों ही चीज़ें हमारे बालों के लिए रामबाण हैं। इसके बाद लेंगे कलौंजी। हाँ जी, जो अचार वगैरह में इस्तेमाल करते हैं किचन में हमारी, में 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी, उसको मैंने घर में पीस लिया है, फाइन पाउडर तैयार कर लिया, तो 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी पाउडर। फिर यह है चाय की पत्ती, ये भी मैंने पीस ली है, फाइन पाउडर तैयार किया है, इसको लेना है 1 से 1.5 चम्मच चाय पत्ती पाउडर। रीठा, आंवला, सीकाकाई पाउडर 1.5 से 2 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच कलौंजी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच चाय की पत्ती पाउडर। अब इन्हें धीमी गैस पर आपको अच्छे से भूनना है, हल्के हल्के रोस्ट करना है आपको। देखो भूनने लगे, कलर चेंज हो रहा है इसका। तीनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं हमारे लिए और नेचुरल हैं, किसी भी चीज़ का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। रीठा, आंवला, सीकाकाई हर तरीके से बेस्ट है। एक इस रेमेडी को बनाओगे, अपने बालों में इस्तेमाल करोगे ना, एक कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं अपने बालों के लिए। चाहे जो प्रॉब्लम हो, बाल सफ़ेद हों, बाल झड़ते हों, बाल बढ़ नहीं रहे हों, बीच में से टूटता हो, डैंड्रफ हो, आपका सिर गंजा हो रहा हो, सारी प्रॉब्लम खत्म। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करो और बालों के लिए बहुत है ऐसी ही नेचुरल रेमेडीज। इस्तेमाल मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपने चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मैंने इसे भून लिया है, डार्क काला हो गया था इसका कलर। अब इसमें डाल देंगे पानी। हाँ जी, 1/2 से 1.25 ग्लास पानी डालेंगे और भूनने के पानी डाल के फिर ठंडा करके पानी डालेंगे। उसके बाद डालना है इसमें मेहंदी पाउडर। हाँ जी, हेना पाउडर मुझे मेरा फेवरेट है, मुझे बालों के में इसका कलर बहुत प्यारा लगता है। तो मेहंदी पाउडर डालेंगे 1.5 से 2 चम्मच या जितना आप बना रहे हो अपने पूरे बालों के लिए, तो ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे एलोवेरा जेल, ये भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, बालों में साइन लेके आता है। 1 से 1.5 चम्मच आप डालेंगे एलोवेरा जेल, अच्छे से मिक्स करेंगे, कोई भी लम्स ना रहे, कोई भी गुठली ना रहे हमारी रेमेडी में। ये नेचुरल डाई है, नेचुरल कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं हमारे बालों के लिए, किसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बाज़ार से केमिकल वाली डाई की बजाय इस्तेमाल किया करो ये नेचुरल रेमेडीज़, आपके बालों में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से छोड़ देना बना के 1/2 घंटे के लिए, फिर बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। 1-1.5 घंटे बाद आपको सादा पानी से वॉश करना है, सादा पानी से करना है वॉश, शैम्पू नहीं करना है। रात को अच्छे से गच करके ऑयल लगाना है और अगले दिन सुबह शैम्पू करना। आप इस्तेमाल करके देखना ये रेमेडी, मैं खुद आज भी इस्तेमाल करती हूँ। मेरे बाल घने हैं, लंबे हैं, काले हैं, एकदम से काले हैं और गजब की साइन है। इस्तेमाल करके देखना, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो लाइक ज़रूर करना और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।